नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच में विराजमान है राजस्थान और पंजाब के एस्ट्रो एक्सपर्ट व वास्तु शास्त्री पंडित रोहित शर्मा। दोस्तों, चर्चा चल रही है राशिफल के बारे में और अब बारी है मेष राशि की। मई महीने का मई 2017 का राशिफल बताया जा रहा है, 1 मई से लेकर 1 जून 2017 तक। दोस्तों, पंडित जी वीडियो के अंत में आपकी राशि के अनुसार कुछ सरल उपाय बताएंगे। ये उपाय आप जरूर करिएगा, इन उपायों के करने से आपके जीवन में सरलता आएगी। तो जानते हैं पंडित जी से मेष राशि का राशिफल मई महीने का। मई माह 2017 मेष राशि फल इस प्रकार है। चंद्रमा आपकी लाभ की स्थिति बना रहा है, धन लाभ होगा, अवश्य होगा, लेकिन 15 तारीख के बाद यानी कि 15 मई के बाद लाभ के चांसेस बन रहे हैं। मेहनत आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फल उसका अवश्य ही मिलेगा। थोड़ी गुप्त चिंताएं इस बार आपको धन से संबंधित और घरेलू गुप्त चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, तो थोड़ा अपना नियंत्रण रखें उन पर। परेशानियां आए तो थोड़ा मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज पे ध्यान दें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इस बार मेष राशि का जो लोग ईंट भट्टे का काम करते हैं, जो सीमेंट बजरी का हार्डवेयर का काम करते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा समय ज़्यादा खराब चल रहा है। कोई अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बड़ी करना चाहते हैं तो इस समय थोड़ा सा हाथ खींच कर ही चलें। आने वाले समय में जो है उनका 20 के बाद समय अच्छा है, तब से आप अपना कोई भी कार्य बिजनेस से संबंधित खास करके करना चाहें तो आपको लाभ अवश्य होगा। सप्ताह मध्यांत में आपको संतान से संबंधित थोड़ी परेशानी आ सकती है। संतान से संबंधित परेशानी, कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, अचानक कोई समस्या आने की आपकी जो है संभावना बन रही है। गृहस्थ सुख भी थोड़ा हल्का ही रहने वाला है। गृहस्थ सुख जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पत्नी के साथ संबंध, बच्चों के साथ संबंध थोड़ा मध्यम रहेगा, बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी आपको अंतिम 2 सप्ताह के अंदर जो है इससे निजात मिल जाएगी और बहुत से आपको लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। विद्यार्थियों के लिए मैं बताऊं कि थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपको थोड़ी बेचैनी भी रह सकती है। जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये माह थोड़ा उनके लिए हल्का सा जो है परेशानी देने वाला है। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं विशेष विद्यार्थियों के लिए उपाय बताने जा रहा हूँ। लेकिन मेष राशि के इस बार के उपाय अवश्य आप सुन लीजिए। एक तो धन लाभ के लिए और मानसिक परेशानियों के लिए आपको जो है 21 कागजी बादाम वो होते हैं जिनके ऊपर छिलका होता है, एक बादाम की गिरी होती है, लेकिन साबुत बादाम कागजी अच्छी क्वालिटी के बादाम आपने लेने हैं। लेकर के मंगलवार को आपने उनको, सोमवार को उन्होंने रात को आपने सिराने के अपने जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे रखें, और अगले दिन आप मंगलवार वाले दिन किसी सफ़ेद कपड़े में या लाल कपड़े में उनको बांध करके आप जा करके शिव मंदिर में उसको चढ़ा दें, या हनुमान जी पे मूर्ति के पास उनको रख करके अपनी आने वाले कष्टों से निवारण के लिए उनसे प्रार्थना करें और धन लाभ के लिए उनसे प्रार्थना करें, तो आपकी प्रार्थनाएं जरूर पूर्ण होंगी। ये अचूक उपाय है मेष राशि वालों के लिए। उसके साथ साथ अगर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ रही है या विद्यार्थी वर्ग के लिए जो परेशानी आ रही है, तो एक तांबे के धातु का आप पात्र, यानी कि अगर कोई लोटा या गड़बी या गिलास आप ले जा करके मंदिर के अंदर, शिव मंदिर के अंदर सोमवार वाले दिन अगर दान करेंगे तो आपको अति लाभ होगा। ये आप सभी कर सकते हैं, घरेलू सुख के लिए महिलाएं भी कर सकती हैं, माताओं बहनों के लिए ये बहुत ही अचूक उपाय है। घर में आ रही परेशानी, गृह क्लेश अगर ज़्यादा हो रहा हो या आपको किसी तरह से रोग में किसी की परेशानी आ रही है, जैसे कि अभी स्वास्थ्य के संबंधित मैं बताऊं तो आपको बीपी से संबंधित महिलाओं को परेशानी आ सकती है और बुखार की संभावना बन रही है, इसलिए ये 2 कार्य अवश्य करें। उत्तर दिशा की ओर एक आईना लगाना ना भूलें ताकि आपको अधिक लाभ मिल सके। तो ये था मेष राशि 2017 का राशिफल। धन्यवाद।
तो दोस्तों अगर आपको अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाला बेल वाला आइकॉन वाला बटन भी जरूर दबाएं ताकि पंडित जी की हर अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।